हेलो गाइज, आज वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं हिमालय नीम फेस पैक का। आज वीडियो आपको बताऊंगा इस नीम पैक को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और आपको इस नीम पैक को कब और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। आज इस हिमालय नीम फेस पैक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मेरे टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं ये मेरे पास आज हिमालय नीम पैक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पे इन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है। आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है हिमालय सिंस 1930 प्योरीफाइंग नीम पैक नॉर्मल टू ऑयली स्किन डीप क्लींस एंड रिवील्स प्रॉब्लम फ्री प्योर स्किन। बात करें इसके प्राइस की तो ये मेरे पास 8 ग्राम का पैक है और इसका प्राइस है 10 रुपीज़। और ये 8 ग्राम का पैक आपको 10 रुपीज़ में किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगा। एंड गाइस, अब बात कर लेते हैं इस हिमालय नीम पैक के बेनिफिट्स की। तो आप देख सकते हैं इस हिमालय नीम पैक में यूज़ किया जाता है नीम, टर्मरिक और मुल्तानी मिट्टी का। और आप सभी जानते होंगे नीम एक्ने पिम्पल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और बात करें टर्मरिक यानी हल्दी की, तो हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन से हार्मफुल बैक्टीरिया को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर देती है, जिससे आपकी स्किन में न्यू एक्ने पिंपल्स होने के भी चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। मतलब कि फेस पैक न्यू एक्ने पिंपल से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने वाला है। और बात करें मुल्तानी मिट्टी की, तो मुल्तानी मिट्टी आपको कूलिंग फ्रेशनेस देती है। मतलब कि जैसे ही आप इस फेस पैक को अपने फेस पे लगाते हो तो आपको अपनी स्किन काफी ज्यादा ठंडी ठंडी लगने लगती है और आप खुद को काफी ज्यादा फ्रेश फील करने लगते हो। गाइज, ये तो बात हो गई इस फेस पैक को यूज करने के बेनिफिट्स की। अब देख लेते हैं कि आपको इस फेस पैक को किस तरीके से यूज करना चाहिए। गाइज, आपने इस फेस पैक को यूज़ करने से पहले अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है और अच्छे से क्लीन करने के बाद आपने इस फेस पैक को इस तरीके से कट कर लेना है। और जिस तरीके से मैं आपको अपने हैंड पे इस फेस पैक को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, वैसे ही आपने इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करना है। गाइज, आप इस फेस पैक को इसी तरीके से अपने फिंगर की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी आप इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। आपने अपने आईज और लिप्स के एरिए को छोड़कर इस फेस पैक से अपने फेस पे इसी तरीके से एक पतली सी लेयर बनाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देनी है। गाइज, अब मैं वीडियो 15 से 20 मिनट बाद स्टार्ट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं हमारा पैक बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। और अब मैं आपको अपने हैंड को नॉर्मल वाटर से वॉश करके भी दिखा देता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने अपने हैंड को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है और फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। और गाइज, अब बात कर लेते हैं कि इस फेस पैक को किस स्किन टाइप को यूज़ करना चाहिए। तो ये फेस पैक नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट होता है। और बात करें कि इस फेस पैक को वीक में कितनी बार यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस फेस पैक को वीक में 1 से 2 बार यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। सो गाइज, यही था इस हिमालय नीम फेस पैक का रिव्यू। गाइज, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।